बिहार के भागलपुर के गौरव भारद्वाज महाकालेश्वर के लिए अपनी तीसरी साइकिल यात्रा पर निकले हैं। इससे पहले वह नेपाल के पशुपतिनाथ और कोलकाता से केदारनाथ की साइकिल यात्रा कर चुके हैं। इन आध्यात्मिक साइकिल यात्राओं के पीछे गौरव का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उनका कहना है कि पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से प्रदूषण फैलता है, ऐसे में लोगों को कम दूरी के लिए साइकिल से आवागमन करना चाहिए। गौरव का कहना है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, बदले में हम पर्यावरण को स्वच्छ रखने में थोड़ा योगदान दे तो हो सकता है। इंदौर में मां अहिल्या की पावन नगरी में गौरव भारद्वाज का भव्य स्वागत और सम्मान सुनील ठाकुर, प्रदीप यादव, अजय यादव, रंजीत यादव, शैलेश रायग्वार, गौरव राठौर, विजय राठौर, विनय यादव द्वारा किया गया। पहले तो भैया मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महिलावासी इंदौर वासियों को, जिन्होंने इतना सम्मान दिया, इतना स्वागत किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। हमारे बड़े भैया लोग का सबका आभारी हूँ मैं। पहले तो सबको हर हर महादेव। जैसे भी आपने पूछा कि आप ये यात्रा क्या, आपका विशेष क्या रूप है, तो भैया मैं पर्यावरण को भी थोड़े लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि हमारा पर्यावरण को थोड़ा सा आप ना देखें, क्योंकि कल जब मैं इंदौर भी आ रहा था तो इंदौर में भी साफ सफाई बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ का वातावरण अनुकूल था। तो अभी के क्या है ना, कुछ युवा लोग ऐसे हो गए हैं कि अगर उनको कहीं जाना होता है तो वो सिर्फ बाइक, और आजकल तो ऐसी ऐसी गाड़ी निकल गई जो सिर्फ पोल्यूशन ही बढ़ा रही है, रॉयल इनफील्ड ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ की पोल्यूशन दे रही है। तो मेरा ये है कि मेरे उम्र के लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा सा समय आप साइकिलिंग को भी दें, थोड़ा सा पोल्यूशन को भी बचाएं। अगर घर के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए जाना हो तो कृपया गाड़ी का उपयोग ना करें, इससे क्या है प्रदूषण से बचेंगे आप और दूसरा आप अपने शरीर से फिट रहेंगे। यात्रा मैं अपने नौगछिया बिहार से किया हूँ, ऐसे एक भागलपुर एक जगह है वहाँ पे, वहाँ से 20 किलोमीटर नौगछिया है, वहाँ से स्टार्ट किया हूँ यात्रा महाकाल उज्जैन के लिए, और उज्जैन के बाद आगे मुझे शिरडी साईं भी जाना है महाराष्ट्र में, और ये मेरी तीसरी यात्रा है। पूर्व में पहली यात्रा कलकत्ता से केदारनाथ की किया हूँ, और दूसरी यात्रा हमारे बिहार नौगछिया से काठमांडू पशुपति नेपाल के लिए किया हूँ। बस ये है, अगर महादेव चाहे तो 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से ही घूम लेंगे।